बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने अपना यूनिट नंबर 5 जो है उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट की हुई है। तो बेटा, यूनिट नंबर 5 के पेज नंबर 52 जो है उसकी ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं, और पेज नंबर 53 जो है उसके भी फर्स्ट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हमने कर ली है। आज हमने पेज नंबर 53 जो सेकंड पैराग्राफ है वहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी है। तो बेटा, जल्दी से आप अपनी बुक्स खोलें और सब बच्चे जो हैं अपने हाथ में लेड पेंसिल रखें। जितने भी मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको बताऊंगी वो आपने अपनी बुक पे लिखने हैं, ठीक है? तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। तो बेटा, पेज नंबर 53 मैंने ओपन कर लिया, इसकी ट्रांसलेशन हमने पढ़नी है। अपनी प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था कि जो है पैलेस, उसमें सब लोग जो हैं, तमाम जो अमरा हैं, नोबल्स जो हैं, वो अपनी अपनी जो हैं शेहियाँ मार रहे हैं। तो जो स्टावर हैं, स्टावर के अपनी जो है वाइफ, उसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करता है। तो जिस पे प्रिंस जो है उसको बड़ा गुस्सा आता है, और प्रिंस जो है वो स्टावर को कैद में डाल देता है, ठीक है? तो आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि क्या होता है, क्या वो स्टावर जो है उसको ये है कि मेरी वाइफ जो कैथरीना है वो किसी ना किसी उसको तरह उसको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, और वो मुझे यहाँ से ले जाएगी, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं, यहाँ से आज हमने स्टार्ट करना है। कैथरीना हर्ड व्हाट हैड हैपन टू हर हस्बैंड। कैथरीना ने सुना कि उसके शोहर के साथ क्या मामला हुआ है। शी ट्राइड टू विजिट हिम द फॉलोइंग डे, उसने अगले दिन उससे मिलने की कोशिश की। बट द गार्ड्स वुड नॉट लेट हर इन, लेकिन मुहाफिजों ने उसे अंदर आने नहीं दिया। सो शी थॉट ऑफ अ प्लान टू रेस्क्यू हिम, ताहम उसने सोचा कि वो उसे मतलब बचाने का मंसूबा बनाए, उसने उसे बचाने के लिए मंसूबा बनाया। कैथरीना कॉल्ड टुगेदर हर बैंड ऑफ 30 आर्चर्स, कैथरीना ने अपने 30 तीर अंदाजों को इकट्ठा किया। 30 चेस मास्टर्स, 30 जो हैं शतरंज के माहिर, एंड 30 म्यूजिशंस, और 30 जो हैं मौसीकार। शी टोल्ड देम शी नीडिड देयर हेल्प टू रेस्क्यू हर हस्बैंड, उसने उनको बताया कि उसको अपने शोहर को बचाने के लिए उनकी मदद की ज़रूरत है। एंड दे एग्रीड टू हेल्प हर, और वो उसकी मदद करने के लिए मुत्तफिक हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएँ। द नेक्स्ट डे कैथरीना गेट रेडी, अगले दिन कैथरीना तैयार हुई। शी वोर अ सूट ऑफ आर्मर, उसने एक ज़रा पहनी। विद अ हेलमेट टू कवर हर फेस, और अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक हेलमेट। शी कैरीड अ बो एंड सम एरोज, उसने एक कमान उठाई और कुछ तीर। अ क्लब ऑफ स्टील, स्टील की एक छड़ी यानी फौलाद की। एंड अ लॉन्ग लेन, और एक लंबा नेजा। पर्स्ड ऑन हर लेफ्ट फोरआर्म वाज़ अ फैल्कन, फैल्कन कहते हैं उकाब यानी शाहीन को। उसने अपने बाएं बाजू पर एक उकाब को बैठाया। शी माउंटेड अ टॉल ब्लैक हॉर्स, और वो एक ब्लैक लंबे घोड़े पर सवार हुई। एक दफ़ा दोबारा पढ़ती हूँ बेटा, गौर से सुने। कैथरीना हर्ड व्हाट हैड हैपन टू हर हस्बैंड, कैथरीना को मालूम हुआ कि उसके शोहर के साथ क्या हुआ है। शी ट्राइड टू विजिट हिम द फॉलोइंग डे, उसने अगले दिन उससे मिलने की कोशिश की। बट द गार्ड्स वुड नॉट लेट हर इन, लेकिन मुहाफिजों ने इसे अंदर नहीं आने दिया। सो शी थॉट ऑफ अ प्लान टू रेस्क्यू हिम, ताहम उसने सोचा कि वो उसे बचाने के लिए एक प्लान बनाए या मंसूबा बनाए। कैथरीना कॉल्ड टुगेदर हर बैंड ऑफ 30 आर्चर्स, कैथरीना ने अपने 30 तीर अंदाजों को इकट्ठा किया। 30 चेस मास्टर्स, अपने 30 शतरंज के माहिरों को। एंड 30 म्यूजिशंस, और 30 मौसीकारों को। शी टोल्ड देम शी नीडेड देयर हेल्प, उसने उन्हें बताया कि उसे उनकी मदद की ज़रूरत है। टू रेस्क्यू हर हस्बैंड, अपने शोहर को बचाने के लिए। एंड दे एग्री टू हेल्प हर, और वो इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि उसकी मदद करेंगे। द नेक्स्ट डे कैथरीना गोट रेडी, अगले दिन कैथरीना तैयार हुई।
शी वोर अ सूट ऑफ आर्मर, उसने एक जरा पहनी विद अ हेलमेट टू कवर हर फेस, और अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक हेलमेट पहना। शी कैरीड अ बो एंड सम एरोज, उसने एक कमान और कुछ तीर उठाए, अ क्लब ऑफ स्टील और एक फौलाद की छड़ी, एंड अ लॉन्ग लेंस और एक नेज़ा, लंबा नेज़ा लेंस कहते हैं, नेज़े को नेज़ा उठाया। पर्श ऑन हर लेफ्ट फोरआर्म वाज़ अ फैल्कन, और अपने बाएं बाजू पर एक उकाब को बिठाया। शी माउंटेड अ टॉल ब्लैक हॉर्स, और एक लंबे काले घोड़े पर सवार हुई। तो बेटा, इस ट्रांसलेशन को आपने अच्छे से लर्न करना है, और जितने भी मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको बताए हैं आपने अपनी बुक पे लिखने हैं। ओके, थैंक यू।